प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है। नगड़ी थाना का और यहाँ रातू थाना का यहाँ का प्रभारी कहाँ है, क्यों सोए हुए हैं, उनको काहे खोज के नहीं निकाल रहे हैं, हमको नया क्या उन्हें मिल रहा है। 12 साल में ठीक बोलिए इमाम मुंडा ये उरांव जी कि 12 साल में जब सिंदरा करते हैं इस तरह का हम लोग को सिंदरा करना होगा, अगर यदि नहीं करेगा प्रभारी लोग तो हम इतना ही कह के इतना ही बोलेंगे। पुलिस प्रशासन नगरी थाना का यहाँ मिला हुआ है तब मेरा बेटा कहता है यहाँ मर्डर हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, नहीं तो इस चीज को भी छानबीन करता है। यहाँ हम मीडिया वाला तो बोलते हैं कि मेरा बेटा बेटा का न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हर दिन हम यहाँ सूत्रे के लिए तैयार है, आम जनता को लेके हम ये रोड नहीं छोड़ेंगे। हम जब आम जनता का रोड जाम करके हम 3 ठोकर लगवाए हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हर दिन यहाँ करेंगे जो हमसे प्रशासन टकरा लेगा। ये यहाँ मुख्यमंत्री है चाहे भारत में नरेंद्र मोदी बैठे हुए है चाहे राज्यपाल है, हम किसी को नहीं मानेंगे। हम रोड में सुतेंगे, आज भी सुतेंगे, कल भी सुतेंगे, डेली सुतेंगे। आम जनता को नहीं साथ देगा तो हम अकेले सुत के दिखाएंगे। हम यह कहना चाहते हैं, आप मीडिया के यहाँ बोलना चाहते हैं बोलिए, हमसे हम ये पूछना चाहते हैं आप लोग से कि मेरा बेटा किस चीज का गलती किया था, जो कौन ऐसा आदमी इसको आके मर्डर किया है तो उसको हम देखना चाहते हैं। मेरा सामने उसको पुलिस का सामने हवाला नहीं होना चाहिए, मेरा सामने आना चाहिए मेरा बेटा का क्यों हुआ। तो हम कहते हैं प्रशासन से और DIG साहब से, SSP साहब से कि अपना किया हुआ वादा पूरा करो, अन्यथा हम लोग आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है और आज निश्चित कालीन तक रोड जाम करने का। आज तो अंतिम संस्कार है हमारे भाई का, तो हम लोग आज किसी न किसी तरह आपका बात मान करके हम चले जाएंगे, लेकिन कल से रोज जो रणनीति बनेगी वो बहुत उग्र होगा और रांची जलेगा। इसलिए उच्च अधिकारियों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों और विशेषकर हमारे अगुआ जो हम जिसको देशम गुरु का बेटा बोलते हैं, माटी का बेटा बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी सुधरने का कोशिश कीजिए, उलझुल से आपका राजपाट नहीं चलेगा। आप बोलने उलने में तेज होइए अन्यथा आपको 24 में गद्दी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं हेमंत सोरेन से कहता हूँ सतर्क हो जाइए, अभी भी समय है, हम आपके भाई बहन है, आपको जिताना चाहते हैं, लेकिन अगर इसी तरह का कांड रहेगा तो 24 में आपको रघुवर के जैसे हम लाठी दौड़ करके भगाएंगे, ठीक है। और अगला क्या हम लोग का रणनीति है कि अभी 2 बजे हम लोग शासन को, क्योंकि हम लोग सहनशील लोग हैं, समझदार लोग हैं, हम लोग किस लिए हम लोग प्रशासन आवे या ना आवे, हम लोग थाना सब तीनों चारों थाना को हम लोग बोल दिए हैं कि आप FIR लिखिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी तक FIR नहीं लिखा है। लेकिन हम लोग क्योंकि हम सहनशील लोग हैं, लोगों का आदर सत्कार करने जानते हैं, हम 2 बजे अपनी विधि व्यवस्था के लिए हम अपने बड़े भाई का शव को घर ले जाएंगे और उसको अंतिम संस्कार के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। लेकिन इसके पहले अगर कोई किसी तरह का मंत्री हो, विधायक हो या किसी तरह का प्रशासन पुलिस प्रशासन के अगुआ लोग आएंगे तो हम लोग लाठी से बात करेंगे, लाठी से बात करेंगे। इसलिए अभी तक हमको कोई छेड़छाड़ करने का कोशिश ना करें। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।